धीरे स्कूल जा रही हो? हाँ, तुम भी चलो ना। का देख रही हो? तुझे भी स्कूल जाना है? हाँ बाबा। देख, पढ़ाई करके क्या मिलेगा, घर में काम करेगी तो गुण सीखेगी। देखो मास्टर साहब, अगर पढ़ाई का ज्ञान देने आए हो तो उल्टे पैर ही चले जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे नहीं सुनना कोई बात। साथ पढ़ाई करने से क्या खेतों में हल चलने लगेगा? पढ़ाई करने से खेतों में हल तो नहीं चलेगा, पर हाँ, पढ़ने लिखने से खेती और जीवन दोनों आसान हो जाएगा। फिर वही बात है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। पर अब दुनिया बदल रही है, ऐसे में बच्चों का अनपढ़ रहना किसी श्राप से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा दे रही है, यहाँ तक कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिन में मुफ्त भोजन दिया जाता है। यही नहीं, अब DBT के माध्यम से जो पैसा आ रहा है उससे तुम अपने बच्चे के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, बस्ता, जूता, मोजा, पेंसिल इत्यादि खरीद सकते हो। और लड़कियों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए सरकार और भी बहुत सारे प्रयास कर रही है। कर रही होगी, पर हमसे क्या? हमें तो बस इतना पता है कि नेहा घर के काम करेगी तो ससुराल में काम आएगा। मास्टर साहब, अब जाओ, आप अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? वही बुखार सर्दी, बोला 2 दिन दवा खाओ, आराम करो, ठीक हो जाओगे। अब तबीयत कैसी है चाचा? अब बुखार कुछ कम है। ये क्या किया तुमने? माँ, ये खांसी की सिरप नहीं, खेतों में डालने वाले पेस्टिसाइड है। हाँ, ये तो खेतों में डालने वाली दवाई है। मतलब इंसान के लिए जहर? हाँ। कहो बिटिया जान गई, वरना आज तो सब अनर्थ हो जाता। पर नेहा को कैसे पता? चाचा, जो मैं स्कूल से पढ़ के आती थी वो मैं रात को छत पर बैठकर नेहा को पढ़ाती थी, इसीलिए इसने दवाई का नाम पढ़ लिया। बहुत बढ़िया बिटिया, मैं तो कब से कह रही हूँ नेहा को भी पढ़ाओ, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। देखो, हमने तो अनपढ़ रहकर अपनी जिंदगी गुजार दी, पर इसके सामने तो इसका पूरा भविष्य है। चाचा, पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना या सांस लेना। बापू, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। पढ़ने लिखने से जीवन आसान हो जाता है, बच्चों का अनपढ़ रहना किसी श्राप से कम नहीं है। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी जो आज तुम सबने मिलकर खोल दी। मैं तो अनपढ़ रह गया, पर तू अनपढ़ नहीं रहेगी, तू पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। ये हुई ना बात चाचा। हर बच्चे को पढ़ाना है, देश का भविष्य उज्जवल बनाना है।